हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरन बाई। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है काइपोका लिक्विड सिंदूर। सिंदूर सभी महिलाएं इस्तेमाल करती हैं और कभी भी, लेकिन आपने कभी इस पर रिव्यू नहीं पढ़ा होगा कि सिंदूर किस टाइप का होना चाहिए। आपको ये भी पता नहीं होगा कि सिंदूर के अंदर अगर केमिकल्स मिले होते हैं तो वो आपको क्या नुकसान दे सकते हैं। आज हम सिंदूर के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइपो लिक्विड सिंदूर विशेष रूप से कुछ विदेशी सामग्रियों के संयोजन से तैयार किया गया है। ये सौंदर्य उत्पाद का एक मखमली मैट फिनिश प्रदान करता है। ये आपके लुक को परफेक्ट फिनिशिंग टच देता है और चमकदार रंग प्रदान करता है जो आपके समग्र लुक पर बढ़ावा देता है। ये आपकी त्वचा पर लंबे समय तक रहता है। ये तरल सिंदूर आपको एक समृद्ध लंबे समय तक टिकने वाला रंग देता है जो धुंधला, फीका या सिकुड़ता नहीं है। आधुनिक भारतीय महिला के लिए बिल्कुल उपयुक्त, कोई पैराबिन्स नहीं, कोई सुगंध नहीं, केवल समृद्ध रंग। ये कैसे काम करता है? वेलवेट मैट फिनिश, तुरंत सूखने वाला और जलरोधक, घंटों तक रहता है बिना किसी जलन के, उपयोग में सुरक्षित। एक उच्च रंग द्रव्य वाला सिंदूर जो गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रंग प्रदान करता है। सहज और सटीक अनुप्रयोग के लिए स्पंज टिप एप्लीकेटर के साथ आता है। इसका उपयोग कैसे करें उसके बारे में बता दूं। स्पंज टिप एप्लीकेटर से आपके माथे पर सिंदूर लगाएं, कॉटन पैड और मेकअप रिमूवर से हटाएं। सिंदूर के रूप में बेची जाने वाली आधुनिक सामग्री में मुख्य रूप से सिंदूर एक नारंगी लाल रंग द्रव्य सिनेबार का शुद्ध और पाउडर रूप का उपयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से जिसमें पारासल्फाइड प्राकृतिक रूप से होता है। पारे के अन्य यौगिकों की तरह सिंदूर विषैला होता है और इसे सावधानी से लगाना चाहिए। आपको यहाँ पे बता दूँ, सिंदूर गर्म होता है। असली सिंदूर नेचुरल होता है जो पूरी तरह प्लांट बेस्ड चीज़ों से बनता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन केमिकल के मिलावट वाले सिंदूर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे स्कैल्प को नुकसान पहुंच सकता है और बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। ये स्किन इन्फेक्शन के खतरे को भी बढ़ा देता है। प्राकृतिक सिंदूर कमीला के पौधों से प्राप्त होता है। कमीला के पौधों में लगने वाले फल जब सूख जाते हैं तो उसके अंदर मौजूद बीजों को निकाल लिया जाता है। कमीला के बीज निकालने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखा दिया जाता है और फिर उनका पाउडर बना दिया जाता है। कमीला के बीजों का पाउडर ही असली और प्राकृतिक सिंदूर होता है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा सिंदूर का टिप दे दूँ। अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वे नाक पर या माथे पर फैल जाए तो ये शुभ होता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को पहुँचना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पहुँचते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि नाक या सिंदूर पर गिरने से साथी से खूब प्यार मिलने वाला होता है। दोस्तों, मैंने आज आपको काइपोका लिक्विड सिंदूर के बारे में बताया। इसकी मार्केटिंग कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने की है। ये 6 ml क्वांटिटी में आता है और इसकी MRP है 60 rupees इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। ये एक GMP सर्टिफाइड कंपनी है। ये मेड इन भारत प्रोडक्ट है और सिंदूर की शेल्फ लाइफ 3 साल की होती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।